जो हिंदुस्तान में किसी ने देखा ही नहीं होगा, समझ रहे हो। पॉडकास्ट में ऐसे व्यक्ति का करूंगा जिसका कोई ने ना किया हो। लक्ष्य भाई बहुत अलग सोचते हैं यार। कौन लक्ष्य भाई? या आगे चल के गौतम गंभीर का पॉडकास्ट करेंगे जिसका कोई नहीं करेगा। फैजो का। अच्छा, गौतम हाँ गंभीर पे क्या टेक है तुम लोगों का? मैं तो एग्री भाई, करता हूँ, कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने, बस दैट्स किस इट। मामले में? नहीं, मेरे श्रीशांत को तो को भाई जो भी फेवरेट बोला, प्लेयर है अपने तो। श्रीशांत नहीं भाई, गौतम गंभीर का ओवरऑल रिव्यू दो तुम, उसके ओपिनियन का नहीं, ओवरऑल। मैं तो मुझे गौतम तो कोई गंभीर के दिक्कत साथ नहीं ही है हूँ। भाई, सीधी बात है, कोई दिक्कत गौतम है ही नहीं। गंभीर मुझे लगता है देसी वाइंस बनाने वाला एक क्रिएटर जो डिप्रेस हो चुका 2023 में, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे वो लगता है आज की डेट में। भाई सम्राट को अगर किसी की गांड मारने का मौका मिले ना, तो मुझे पता है सम्राट का बोनर किस डायरेक्शन में आएगा। मतलब मुझे पता है, इस टाइम मैं कोऑर्डिनेट्स भी भेज दूंगा सबको। भाई मैं मतलब एक इंसान को कोई फॉलो करता है ना, भाई मैं किसी सम्राट के अंदर एक इंसान को लेके इतनी नफरत है, मतलब मैंने इसके दिल में इतनी नफरत किसी को लेके नहीं देखी कभी। ले भाई, वो इंसान से मेरा प्रेम ही अलग है यार। मतलब मैं कभी किसी के ऐसा वीडियो देखता नहीं हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज, हर मूव का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ भाई, और मैं प्रिडिक्ट भी कर सकता हूँ कि कल सुबह क्या होने वाला है। अभी आप मानोगे नहीं, एक बहुत बड़ा क्रिएटर, मतलब बहुत ही बड़ा, अपनी वो सबसे बड़ी वो कौन सी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा एक क्रिएटर, अपनी फेक आईडी बना के मुझे मैसेज कर रहा है और अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ठीक है। मैंने उसे सिंपल सी बात मैसेज में कर दी, भाई मैं तेरी रियल आईडी को फॉलो नहीं करता, तेरी फेक आईडी को क्यों फॉलो करूंगा। तो वो चिढ़ गया मेरे से। अब बताओ, मतलब मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चला कि उसी बंदे की फेक आईडी है? तो ये मुझे लक्ष्य चौधरी ने बताया, क्योंकि लक्ष्य चौधरी एक जगह जाके उस क्रिएटर को गाली दे देती और वही आइडिया आके ढूंढ के डिफेंड कर रही थी, ठीक है। अब लोग कहते हैं बड़ा क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर। भाई बड़ा क्रिएटर सबसे ज्यादा फ्री होता है, वो इतना फ्री होता है कि तुमने कब किसको फॉलो किया, कब किसको अनफॉलो किया, वो उन सब चीजों को भी नजर रखता है। नहीं तुमने क्या लगता है? कमेंट किया, क्या कमेंट नहीं किया, किसकी पोस्ट लाइक करी, किसकी स्टोरीज तुमने शेयर करी, क्या क्या बताऊँ, या बताऊँ ना तुम्हें और जेनुअनली करता है गाइस। तो। पता क्या, इतने एक्सक्लूसिव बनते हैं इंस्टा पे। मैं भाई तो बस 13 ही लोगों को फॉलो करूंगा, 14 को ही करूंगा, तो बहुत सड़ी है, फिर तेरे को कौन फॉलो करेगा। सही बात एटलीस्ट है, कम्युनिटी में तो फॉलो बैक, देखो मैं कह रहा हूँ फॉलो बैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई। मैं इतने ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ जिन जो जो मुझे देखते होंगे, बट उनको ये नहीं पता हो क्योंकि मैं इंस्टा पे उनको फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि इंस्टा पे क्रिएटर क्या करते हैं, फॉलो करते ही ना कोई मैसेज डालते तुरंत, है ना, ये नोटिस करा दे रहे हो कि मैंने तेरे को फॉलो कर लिया, तू मुझे कर। मैं किसी को फॉलो करता हूँ, मैं किसी को मैसेज नहीं डालता। उसने कभी साल भर में देख लिया, आधे साल में देख लिया, वो फॉलो बैक दे दिया, ठीक, ना भी करे तो मैं अनफॉलो नहीं करता। मेरे अंदर ये आदत नहीं नहीं है। करते लोगों में क्या भाई, आदत है, आज फॉलो करेगा, मैसेज डालेगा, नहीं रिप्लाई मिला 24 घंटे में अनफॉलो, चौबीस अनफॉलो करेगा। घंटे में अनफॉलो। मेरा क्या है कि मैंने किसी पे वीडियो बनाई, उसने आगे मेरे को अप्रिशिएट कर दिया, कह दिया भाई बहुत बढ़िया वीडियो थी, या कोई पुराना ऐसा कोई बीफ था किसी से, वो अब आया कि लक्ष्य भाई पुरानी बात खत्म है, ये वो, या मुझे किसी से कोई अब अच्छा लगने लगा, मैं उसको जाके लिख दूं भाई पुराना जो भी सीन था वो था बढ़िया है, तो उसने मेरे को फॉलो किया तो मैं भी उसको फॉलो कर देता हूँ, या पहले फॉलो देता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कम्युनिटी है ना, यहाँ पे गिना जा रहा है, सामने वाला गिन रहा है, तुम ना भी गिनो तो। तुम बहन चोद पूरे दिन तो फोन पे 1-1 घंटा खाओगे, तीन सारे तीन अपने घंटा काम कराओगे, भाई भाई बोलोगे, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा भाई, और बहन जो तेरी गांड, बहन जो क्या ही बोलूं, मतलब इस बात पे सूख गई कि तू एक फॉलो नहीं दे सकता, उसमें तो अरे एक्सक्लूसिव। सात तो खड़े लक्ष्य, पर दो घंटे लक्ष्य तो भाई, भैया हम सात तो ओजी है खड़े ना, लक्ष्य। ओजी है ना। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मैं आऊंगा, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ। फॉलो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, ओजी हूं ना मैं, यूट्यूब का ओजी यार, समझा कर, मैं हर किसी को फॉलो नहीं कर नहीं सकता। कर सकता यार, मैंने लेगेसी बनाई है। एक बात तो बताओ, या तो तू मुझे अपने 2 घंटे देते हुए भी नहीं कोई टेंशन मान रहा, तो अपने 2 घंटे तो दे रहा मुझे रात के 1 बजे से 3 बजे के, तू मुझे फॉलो बैक नहीं दे सकता क्योंकि तेरा एक नंबर बढ़ जाएगा वहां फॉलोइंग में। हाँ, तो एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो जाएगी ना भाई, महेंद्र सिंह धोनी है सब यहाँ। भैया मैं अपनी एक बात बता, तो राजस्थान का एक क्रिएटर था, काफी बड़ा वाइन चैनल था एक टाइम के लिए, अच्छे खासे व्यूज खींचता था, मतलब मिलियन तक। तो उस वो जब मैं 100-150K पे था ना, तब वो मेरे घर पे आया था, बात बात किया, तब उसके 400K 500K व्यूज आते थे।
तो मैंने भाई उस टाइम मैंने कहा भाई इतना बड़ा क्रिएटर फॉलो वॉलो कर लेते हैं, मैंने उस टाइम फॉलो कर लिया। मैं सोचा ये मुझे अकाउंट वगैरह भूल गया होगा, 2-3 बार मिलने के लिए भी बुलाया अपने वीडियो में शूट के लिए, मैं उसकी हेल्प करवाता था स्क्रिप्ट वगैरह में, मैं सोचता था भाई दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला ना कि वो एक ईगो पाल रखा है बड़े क्रिएटर वाला, मैंने भी उसको लात मार दी, और जहाँ से वो मेरा काम था वो भी मैंने उससे वापस लेना देना बंद कर दिया, और धीरे धीरे उसका चैनल डेड हो गया। अभी वो 20-25 हज़ार व्यूज पे है, वो बंदा कॉल करता हर तीसरे दिन, लेकिन कभी इंस्टाग्राम पे वापस मैसेज नहीं किया नए वाले अकाउंट से या पुराने वाले अकाउंट से कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। बहुत बहुत सारे क्रिएटर्स का ना बहुत गंदा ईगो है इस चीज में कि मैंने इसको फॉलो कर लिया तो मेरी लेगेसी खत्म हो जाएगी, या फिर मैंने तो पहले 13 दर्जनों कहता के आप 1000-1200 फॉलो मत करो, आशीष चंचलानी भाई करे लेकिन जिससे तुम हेल्प मांगते हो ना उसको तो लेकिन जिससे तुम बात करते हो भाई उसको तो कर ही लो। हाँ नहीं। और एक और बात मेरे को बताओ लक्ष्य भाई, मैं मानता हूँ तुम्हारी लेगेसी है, तुम्हारा बहुत कुछ है, तो तुम कम से कम इतना तो अपना वो रखो ना कि जिनको तुम फॉलो कर रहे हो उनकी भी लेगेसी हो, समझ रहे हो। अगर तुम अपने आप को मतलब तुम्हारी टीम वालों को कोई नहीं यार जानता, लेकिन काम की है, मैं तुम्हें बताऊं भुवन बाम सबसे कम बात करता है सर। ऑनलाइन, सबसे कम ऑनलाइन आता है वो रियल में अपने फोन से खुद, सही वो कर रहा है फॉलो तो बात वो भी नहीं शर्माता इस बात में, तो वो भी मोस्टली अच्छे अच्छे है सारे क्रिएटर्स को। भाई। मैं भुवन भाई से मैंने जितने बार भी बात की हो, मैंने भुवन भाई को सिर्फ एक ही बात बोली थी, भुवन भाई मैं आपसे जीवन में कभी नहीं मिलना। मेरे को क्यों नहीं मिलना, क्योंकि आप मेरे आइडल हो। मैं आशीष भाई से भी इसीलिए अभी तक नहीं मिला क्योंकि मैंने भैया आप मेरे आइडल हो। अब नो डाउट मेरा रोजी रोटी है, मुझे पॉडकास्ट करना है, पैसा कमाना है तो मैं करूंगा, लेकिन एक मन में रहता है तुम ऐसा वैल्यू तो बनाओ। 3 घंटे हमसे फोन पे चुत रहे हो और उसके बाद तुम्हें लेगेसी तुम्हें मेंटेन करनी है, और भाई इतने बेअकल। इतनी सम्राट भैया छोटी सी छोटी खरोज भी आ जाए तो रोके आना। हाँ एक चीज और मैं स्पेशल चीज सिखाऊं इन लोगों की, व्हाट्सअप कॉल करेंगे भाई, 2 फोन होते हैं हर आदमी के पास ना, वो रिकॉर्ड कर सकता है। नहीं खुद के बारे में सोचते हैं, ओहो भाई रिकॉर्डिंग कोई चूतिया होगा जो तेरी कॉल रिकॉर्डिंग करेगा, तू है कौन भोसड़ी के मैंने तो इतना नोटिस किया भाई, मतलब है कौन नहीं नहीं मुझे पहले नॉर्मल नंबर से कॉल करेंगे बिलीव करते ऐसे आदमी कॉल रिकॉर्डिंग बिलीव करते 100K पर रुक जाए फिर और भाई व्हाट्सएप कॉल पे अरे भाई शेडो बैन हो जाए वीडियो बैन हो जाए भाई, चैनल ब्लैक लिस्ट कर दे यूट्यूब की भोसड़ी के, इतने खराब दिन आ गए तेरे और भाई यूट्यूब पे एक बात बताओ, अगर तू व्हाट्सएप कॉल कर रहा है तो एक यूट्यूबर को कर रहा है, क्या उसमें माइक नहीं होगा, क्या उसमें दूसरा फोन नहीं होगा भाई, रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन तू और क्या उसके पास कैमरा नहीं होगा जो तेरा नंबर तक रिकॉर्ड कर ले भाई वीडियो के साथ। बात बताऊं, जितने यूट्यूबर से बात करता हूँ ना उनसे पास्ट में कुछ रहा, ध्रुव से हमारे टर्म ये कह रहा हूँ अपना धीरू मोनचिक से, धीरू से हमारे टर्म बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थे ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल बात, अभी धीरू से बढ़िया बात है टॉपिक पूछ ले तुरंत बता देता हूँ भाई आ रहा हूँ। धीरू मेरे को कॉल करे कुछ भी बात करे, वो कितनी भी सेंसिटिव कितनी भी तगड़ी बात हो जो आप इंटरनेट पे नहीं बोल सकते, मैं नॉर्मली करता हूँ कॉल पे। भाई देख अगर तू इतना खराब बन जाएगा कि मेरी एक कॉल रिकॉर्ड करके कहीं डाल देगा क्लाउड के लिए, तो भाई फिर तो मैं तो तेरे से भी खराब हूँ फिर। सही बात है। अगर आज धीरू की बात रही, धीरू से आज मेरी भी बात होने लगी, हालांकि मैंने खुद ही उसका बहुत बार मजाक उड़ाया है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा अच्छे टर्म में बात कर रहा तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब मैं उसके साथ ये हरकतबाजी नहीं करूं। लेकिन जो क्रिएटर अपने आप को ये समझता है कि भाई मैं व्हाट्सअप कॉल करूंगा, तू सामने वाले को रियलाइज करा रहा है कि तू चूतिया है। मतलब एक बात सोचो, अगर कोई मुझे व्हाट्सअप कॉल इस उस पर कर रहा है कि मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं करूं, मतलब तेरे को मेरे पे भरोसा ही नहीं, तो बात ही क्यों कर रहा है भाई, मत करना बात। और ऐसी कौन सी अननेचुरल बातें कर देगा तू कॉल पे कि जो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, मतलब तू हाँ बच्चे से अप्लाई करता है, तू मेरे से वो ट्रेडिंग की बात करेगा बच्चियों की, क्या कर लेगा तू ज्यादा ज्यादा अपनी कुछ पर्सनल बात बता देगा, बंदी की बता देगा, फेयर बता देगा मुझे कुछ, किसी से तेरी लड़ाई है वो बता देगा, तो बहन जाएगी ऐसी बात इंटरनेट पे आ भी गई तो क्या तेरे को 4 व्यू फालतू ही आ जाएंगे और कॉन्ट्रोवर्सी से। सही सही बात। और मैं तो कुछ क्रिएटर से तो इतना प्रेम हो गया ना मुझे भाई, दिन भर फ्री बैठे हैं, दिन भर 24 घंटे फ्री बैठे हैं, 24 घंटे आईडियो में इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, इसकी में इसने क्या कमेंट करा, इसने उसके साथ कॉलेब कैसे कर लिया, भैया मतलब आज के दिन में अगर किसी के पास काम है ना तो एटलीस्ट दिन में 7-8 घंटे गायब रहेगा इंटरनेट से। रहेगा भाई। 7-8 घंटे मैं कह रहा हूँ पूरे दिन गायब रहेगा भाई, जिसको काम है ना वो नहीं फोन उठाता, ये बहन जो जिनके प्रोजेक्ट साल में एक बार बनते हैं ना पूरे साल खाली बैठे पाद मारते हैं भोसड़ी के, वीडियो तो उधर खतरनाक होती है वो तो आधे घंटे में लिए जाती होगी।
तो मैं तो बड़ी पसंद थी, तुम तो मुझे भेज रहे थे भाई तगड़ी चीज बना दी, मैंने तुम्हें बताई तो थी ऑलरेडी आ चुकी है। इनको इनको लक्ष्य भाई को बहुत अच्छा लग रहा था प्रोजेक्ट, पता है वीर भाई जो भी लेटेस्ट आया था ना, वीर आवाज चली गई तुम्हारी। भाई, हाँ भाई ऋत्विक। एक क्वेश्चन पूछना है, पॉलिटिकल वाला पूछ हाँ सकता हूँ? भैया सॉरी, वो मेरा पूछो नेटवर्क भाई, चला गया था, बोलिए। पहले पहले क्वेश्चन पूछ लें दो भाई, पूछो ऋतु भाई। भाई आपको साउथ में बीजेपी क्यों ना आती है भाई? भाई साउथ में, हाँ भाई साउथ में भाई लीडर नहीं है भाई उनपे अच्छा, लेकिन अब आ जाएगी, अब वो नहीं है अन्नामलई, हाँ वो अच्छा कमबैक कर रहे हैं, और देखो आप जनरल इलेक्शन में भी अच्छी खासी सीटें आई हैं, आएगी आने वाले टाइम में बीजेपी आएगी और धीरे कितने साल धीरे। लगेंगे भाई? क्योंकि साउथ में पढ़े लिखे लोग हैं ना। हाँ तो नहीं भाई भाई, मैं पढ़े लिखे, हैदराबादी हूँ भाई। नहीं, पढ़े लिखो वाली बात नहीं भाई, पॉपुलेशन के हिसाब से भी होता है, साउथ में आधे से ज्यादा तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, ठीक है। हाँ मुस्लिम भी है सारा हैदराबाद में तो। वहाँ वो हैदराबाद की तो बात ही अलग है, वो तो वैसे ही निजाम के टाइम क्या होने वाला था सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई ऐसे किंग नहीं कहलाते, ठीक है। तो वो तो एक अलग ही फैक्टर है, हिंदू मुस्लिम वाला क्वेश्चन वाला, और मेन बात ये क्या लीडरशिप भी अच्छी नहीं है। साउथ का लीडर कौन, किसको कह दोगे आप? साउथ का लीडर बहुत ही अच्छा है भाई, डायनेमिक केसीआर था तेलंगाना से। अच्छा, है। केसीआर को आप इसमें थोड़ी ना जोड़ दोगे बीजेपी में? मैं ओवरऑल बता रहा था सारे। नहीं, मैं आपको बीजेपी के लीडर की बात कर रहा हूँ जो वहां डायनेमिक अच्छा, चेंज ले आया। तो अब मोदी जी क्या है, कोशिश करते हैं तमिलनाडु से रिलेटेबल होने की, लेकिन वो नहीं हो पाएंगे साउथ वालों से, सम्राट ठीक है। साउथ वालों से भाई, साउथ आपने वाले, ये उन्हें तेजस्वी रजनीकांत सूर्या के के साथ दिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट है रजनीकांत के उनकी, साथ 3-4 बार। तेजस्वी सूर्या का क्या देखते हो आप? मतलब हाँ साउथ की तेजस्वी सूर्या पॉलिटिक्स। मेरा, मैं जो अपने प्रिडिक्शन दे रहा हूँ हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कर्नाटका का आने वाला सीएम है वो, भले ही 30 साल बाद बने लेकिन बनेंगे, क्योंकि जो बैकग्राउंड मेरे को पता है, मतलब उनको खुद को भी पता ही होगा और बहुत सारे लोगों को पता होगा, बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें जो आने वाले टाइम पे लोगों को दिखेंगी। भाई मैंने सुना है वहां पे अरे सबको म्यूट किसने किया था? मैंने नहीं किया। उससे दबा होगा, हर्ष से दबा होगा। हाँ, बोलो साउथ इंडिया में कोई तमिल या तेलुगु में कहीं पे कोई सी लैंग्वेज है जहां पे अंदर आने को रंडी बोलते हैं? भाई, मैं तेलुगु से हूँ। रंडी, अंदर आइए। अरे वाह वेंचा, हैदराबाद से हूँ। भाई, तो फिर रंडी को क्या बोलते हो आप अपने इधर? लोकल की रंडी, लाइक अंदर आइए ऐसे बोलते हैं। लोकल की मैं, रंडी मतलब अंदर अरे नहीं, मैं अंदर आने को तो रंडी बोलते हैं, प्रॉपर रंडी को क्या बोलते हैं तेलुगु आपके इधर? रंडी में लंजा, लाइक वो प्रोस्टिट्यूट होती है ना, उनको रंडी बोलते हैं। अच्छा अरे यार भाई, तुम समझा नहीं। ते हाँ भाई तेलुगु का भाई भाई, डोसा कहाँ का है भाई? तेल मतलब ये इधर तेलंगाना साइड का है या तमिलनाडु का है? तमिलनाडु में इडली है ना, इडली सांभर। अरे डोसा, डोसा कहाँ का है? डोसा तेलंगाना में अच्छा ही चलता है, हर कोई खाता है, मैं भी खाता हूँ कभी तुम तो कभी। खाओगे भाई, डोसा भी सम्राट भाई तमिलनाडु का ही है, तमिलनाडु कर्नाटका सीट है। और ये केले के पत्ते पे खाना खाते होगा भाई तुम लोग? क्या भाई? केले के पत्ते पे भी खाना खाते हो ना? हाँ भाई हाँ। तो फिर केला किस पे, किसके पत्ते पे खाएगा भाई? अच्छा केला भाई कौन पत्ते पे खाता है भाई? भाई तुम्हारी स्वीट डिश क्या होती है भाई साउथ की? भाई, हाँ जी भाई, डिश मतलब आलू के पराठे खाते हो? खाए क्या आलू के पराठे? भाई? ये पंजाबी वाले नाश्तों से मैं दूर हूँ भाई, मेरे इधर ना रोटी सब्जी खाई जाती है भाई। वीर भाई तुम खाते हो आलू के पराठे? नहीं भाई। हर्ष भाई तुम खाते हो आलू के पराठे? यस भाई मैं खा रहा हूँ। भूपेंद्र भाई आप खाते हो क्या आलू के पराठे? खाता हूँ भाई, खाता हूँ, मुझे आवाज ही नहीं आ रही भूपेंद्र भाई की। खाता हूँ, खाता हूँ। हेलो। आ रही है सम्राट भाई, तुम्हें आ रही है? हाँ भाई आ रही है, कह रहे हैं खाता हूँ भाई, 20-20 खाता अगर हूँ। ये खाते हैं तो फिर आलू क्या खाता है भाई? वाह भाई, आलू अच्छा पोहे लक्ष्य खाता भाई है भाई, जोरदार जोर भाई, क्वेश्चन भाई रहा कॉमेडी ठीक आर्ट्स करने थे भाई मेरे को भाई। है। अच्छा एक सेकंड, मैं एक लक्ष्य भाई क्वेश्चन है तुमसे, एक हाथी था उसके सामने 12 केले थे, उसने 12 के 12 केले नहीं खाए, बताओ क्यों? हाथी के सामने 12 केले थे, पेट भर रहा होगा भाई उसका। नहीं
और केले प्लास्टिक के थे। अच्छा वाओ भाई, आर्स भाई आर्स। एक और भाई क्वेश्चन दोबारा पूछो। रिक्वेस्ट करना स्पीकर के लिए, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी, आप बताओ। एक एक और क्वेश्चन है भाई। इस बार 12 के 12 केले असली थे, फिर भी आपने नहीं खाए, बताओ क्यों? भाई पेट भर गया होगा ना उसका। नहीं, इस बार और हाथी प्लास्टिक का था भाई। वाओ भाई आर्स है भाई, आर्स है भाई, कॉमेडी आर्स है भाई। थैंक यू गाइस। इस तरीके के और भी आपको कॉमेडी टिप्स भाई चाहिए हो तो आप बिल्कुल हमको ज्वाइन कर सकते हो। आज तो चुटकुले हो गए भाई। यार एक सीरियस चीज बताओ, एक सीरियस चीज बताओ, जैसे ये भाई फॉरेन में जो यूट्यूबर्स है ना, ये बिजनेस में इन्होंने साथ के साथ बिजनेस खड़ा कर लिया और सारी इन्होंने मार्केटिंग जैसे खुद ने ही करी उसकी, जैसे मिस्टर बीस्ट ने बीस्ट बर्गर वगैरह चॉकलेट्स वगैरह सब कर रखा है, और भी बहुत सारे भाई एग्जाम्पल है। ऐसे इंडिया वाले क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते? भाई 1700 रुपए तो मिलते हैं महीने के एंड में, उसमें भाई आदमी क्या क्या करे भाई। नहीं, और बड़े उसमें यूट्यूबर्स इसका एक सीरियस आंसर ये है पता, कि जो बड़े यूट्यूबर्स है ना, जितने भी फॉरेन के क्रिएटर्स है ना, उनका खुद का ब्रांड, अगर कोई वो प्रोडक्ट है ना जिसकी वो ब्रांडिंग कर रहे हैं खुद का बताकर, वो उनका खुद का नहीं होता, उसमें उनके शेयर्स होते हैं, टैक्स होते अरे हैं। भाई इंडिया में यह होता है, आदमी मैनेजर्स लूटने में रहते हैं और क्रिएटर सोचते हैं ये चूतिया बना रहा, तो पहले से उनके बीच में ट्रस्ट होता ही नहीं है, कभी काम बनता ही नहीं है। नहीं, 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, उसमें 8,000 रुपये की तो वो निकाल देते हैं मर्चेंडाइज। मेरा साइन किया वो तो, मैं मर्चेंडाइज के अलावा कुछ बिजनेस दिखता नहीं है भाई इंडिया की यूट्यूबर को। टी शर्ट निकाल दूंगा, कैप निकाल दूंगा, परफ्यूम निकाल दूंगा, जूते निकाल दूंगा, लो भाई हो गया मैं। वो ना भी अनिल अंबानी और कौन सा अंबानी था, मुकेश अंबानी, बस इसके आगे कोई ने सोचा नहीं। अगर कोई सोचे कि नहीं भाई मैं कुछ प्रोडक्टिव खाने पीने का निकाल दूं, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि चॉकलेट निकाल दूं और उसकी मैं मार्केटिंग कर दूं, लोग खरीद लेंगे, तो ये हमारे इधर दिमाग नहीं चलेगा। हमारे इधर अरे फीमेल ब्लॉगर्स इतने हैं, फैमिली ब्लॉगर्स भाई, बच्चे देखते हैं भाई, किसी ने टॉयज वाला सोचा ही नहीं भाई, कितना तगड़ा चलता है। तो सही बात है। नहीं, उनको भी बच्चों के कपड़े निकालने हैं जिसमें कि यही तो उसका मैं एक बोल वो रहा हूँ मिक्की कि माउस बना जैसे हो। इंडिया वालों का इनका दिमाग कपड़ों से, जूतों से इनसे आगे बढ़ क्यों नहीं पाता? जैसे YouTube के साथ में ये कुछ करें तो इनसे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? अगर इतना बढ़ पाते तो फिर भाई सात भाई सात जो लाख में उनके डिप्रेशन में समय थोड़े होते आगे हैं। नहीं बढ़ पाए लोग, तुम उनसे इन चीजों में आगे बढ़ने का कैसे सोच सकते हो भाई? अब यार मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब किया जा सकता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर मतलब आप कन्विक्शन भाई के साथ। तुम तो सीए हो भाई, तुम तो प्लान लाओ बहुत सारे और पैसे के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, मैं सब करूंगा भाई। हम क्रिएटर्स हायर करेंगे तुम्हारे लिए, उनको हाँ कन्विंस करेंगे, ऑन बोर्ड करवाएंगे, 30% प्रॉफिट सम्राट भाई का रहेगा, जिसमें से 10% मेरा रहेगा अलग से। ठीक बढ़िया भाई, तुम तो कुछ भी है, ले आओ, सुन रहे हो सीए भाई, तुम ले आओ हर कि एक वो। प्रोजेक्ट चलो लक्ष्य चौधरी पे काम करवाएंगे मैंने जैसे सीधे। भी लक्ष्य जयपुर आया था, लक्ष्य को तो बताया था मैंने, तो जैसे क्या है ना, मैं सही बताऊँ आपको, मैंने क्या है क्या किया था, जैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग की एक वेबसाइट बनवाई सिंपल सी, और जयपुर का ही एक यूट्यूबर था, उससे सिर्फ एक वीडियो डलवा दिया था उस पे, है ना, जो टैक्स सीजन था उसमें। उस टैक्स सीजन में मेरे पास उस एक वीडियो से 3,000 रिटर्न आ गई थी, लगभग 10-12 लाख का काम आ गया था एक महीने में। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ जैसे कि इस तरीके बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब प्रोडक्टिव भी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे कपड़े जूते ये इनके तो 50 ब्रांड्स दूसरे हैं, मतलब एकदम नीश आइडेंटिफाई करके अगर कोई करे ना सीरियसली इस पॉइंट पे सोच के तो। भाई मैं बताऊं एक बहुत बढ़िया काम, बताओ। इतनी ऑडियंस में ना, कहीं जो शहर नया नया बसा हो या जिसको टाउन को भी शहर की मान्यता मिली हो, जहाँ को हाईवे निकला हो, वहां प्रॉपर्टी खरीद के, बड़े ऐसी काफी बड़ी जमीन खरीद के, प्लॉट काट के और रील बना बना के बेचने शुरू कर दो। बेंच इतने बिकेंगे, इतने बिकेंगे, इतने बिकेंगे, इतना तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लोगों को ना इंटरनेट लगता है एकदम से जैसे कितना लेजिट होगा। अगर तुम कोई भाई चीज उल्टी सीधी भी बेचोगे ना, महंगी भी सब कुछ करोगे, तो भी भाग भाग के खरीद देंगे। भाई ये हो गया लॉन्ग टर्म लंबा प्रोसेस। इससे अच्छा कल सुबह निकलो अपने घर से, कह के कि ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी नेता का पकड़ के झूलो, बढ़िया एक जमीन पे करो कब्जा, और 10 साल बाद 5 साल बाद उसे बेचो भाई, बढ़िया एक नंबर पैसा भाई। जीवन में अगर सक्सेस होना चाहते हो ना भाई, सिंपल टर्म यही है, अगर तुम लॉन्ग टर्म बिजनेसेस में घुसोगे, जैसे कि ये जमीन वाला, कॉलोनी वाला, यहाँ परमिशन वहां परमिशन, बर्बाद होते जाओगे। लेकिन फिर भी ऑनेस्टली अगर जिनको काम करना है, जिनको कुछ करना है, मैं आपको एक सिंपल लक्ष्य भाई, मैंने सोचा था कि कोई एक करंट अकाउंट खोले और सिर्फ ट्रांजेक्शन करे, क्योंकि आज की डेट में भी लोग
पैसे लोगों को सबको ट्रांजेक्शन कराने रहते हैं, सबकी लिमिट नहीं होती। अगर सिर्फ कोई एक नंबर पर ट्रांजेक्शन करे कुछ कमीशन बेस पे, तो अच्छा पैसा कमा सकता है। मानो तुमने 1,00,000 रुपये किसी को ट्रांसफर कर दिए और 2,000 रुपये कमीशन ले लिया, तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ये मुझे लगता है। और कोई किसी पे बिजनेस आइडिया हो तो डेफिनेटली बता सकते हैं। ये मैं पर्सनली, इसमें तो जो लीगलिटीज वगैरह हैं बहुत सारे पंगे होंगे इसमें तो बाद में। अरे तो भाई दुकान खोल के थोड़ी ना बैठनी है, अकाउंट तो ट्रैक हो गई ना। अरे तो अब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे यूट्यूबर है, बहुत सारे बुड्ढों के अकाउंट में पैसे लेते रहते हैं, इस हिसाब से थोड़ा मेंटेन कर ले चीजों को। अब निर्मला जी हर चीज को थोड़ी ना पकड़ेंगी, कुछ कुछ चीज को पकड़ेंगी ना। हाँ भाई, क्या नाम है, दीपांशु यादव भाई, बताओ भाई दीपांशु भाई, पहले तो ये बताओ मोहन यादव जी आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या भाई? नहीं भाई, भाई ऐसा यूपी में भाई कास्ट सिस्टम बहुत है, लेकिन मैं इसके खिलाफ, मेरे घर में खुद है बाबू। मैं एमपीसीएम की बात कर रहा हूँ भाई, मैं एमपीसीएम की बात, नहीं भाई मैं यूपी प्रयागराज से हूँ भाई। अच्छा, फिर भी नहीं है आपके? नहीं भाई, भाई मेरे कहीं नहीं भाई, मुझको ये सब करने में शर्म आती है भाई, किसी मैं अपनी फोटो भी नहीं लगाता भाई स्टोरी में। मजाक कर रहा हूँ यार, का सीरियस हो रहा है भाई, बताओ बताओ भाई। ये जो प्रयागराज में एक गला काटने वाला हुआ, तो भाई ये इसका क्या हुआ भाई, कुछ पता लगा मतलब कि आगे क्या हुआ भाई? उसको गोली वोली मार दी थी, मरा कि नहीं मरा ये नहीं पता भाई। भाई आप उसकी पूरी कहानी जानते हैं, मतलब पूरी कहानी आप जानते हैं क्या हुआ था? बताओ बताओ भाई, फ्री बैठे भाई। वो उस बस पे जो उस बस पे जो कांड हुआ था, उसमें मेरे दोस्त भी लोग थे, मतलब कि बड़े हैं मुझसे, मेरे बगल में रहते हैं सब लोग, तीन लोग थे। कारण क्या था ना कि एक दिन पहले जो बस कंडक्टर है, उसने जैसे वो सोचा कि जो जिसने गला काटा है वो सोचा वो नहीं आया, उसने बोला भाई, वो वर्ड बोल सकता हूँ जो उसने बोला कंडक्टर ने उसको, कि जो मेरे तीन दोस्त नहीं उनको, उनसे बोला कि ये एक कटुआ है साला, इसको पेला करो तुम लोग। और वो बगल में बैठा था, मुंह छिपाए अपना चेहरा। हेलो सुन ली भाई, तुम्हें बुरी बुरी बात है लक्ष्य भाई, म्यूट भाई, तुमने ऑफेंड कर दिया लक्ष्य को भाई। उस बंदे ने अगले दिन क्या किया कि तलवार वलवार पूरा बक्सा लाकर उसने, मतलब जो मुस्लिम लैंग्वेज में जो भी होता है बोल बाल कर कुछ भी किया, गला काटा, लेकिन जो मेरे दोस्त लोग ने उसको पकड़ लिए, उसको लिटाए हुए थे भाई, पूरी पूरी यूनाइटेड। गलती पहली बस ड्राइवर की थी ना? नहीं भाई, उसकी भी थी भाई, वो बस ड्राइवर बहुत मतलब बहुत अच्छा इंसान था, मेरे दोस्त लोग जो है नहीं बता रहे थे, वो ऐसा था ही भाई, वो थोड़ा साइको टाइप का था जो लड़का था नहीं भाई, उसकी जो वो जो भागते वक्त की वीडियो नहीं बनाया था उसने, वो मेरे दोस्त को तब खदेड़ रहा था, वो कह ली कि उन्हीं लोग ने उसको दबाया हुआ था पकड़ के, सब भाग गए, एक बचा दोस्त है मेरा उसको, मतलब कोई आकाश नाम है भाई, उसने उसको पकड़ा हुआ था, वो बोल रहा है तुम मुझको छोड़ दो मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन उसने क्या कि उसको ठेल कर भाग लिया, और वीडियो जब बनाया भागते हुए उसी को खदेड़ रहा था तब। तो भाई मेरे हिसाब से सही हुआ भाई, मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ भाई आपके साथ। क्यों लक्ष्य भाई, किसके साथ सही हुआ? भाई आप जिसके साथ थे भाई, मतलब जिसका भी आप सपोर्ट कर रहे थे भाई मैं तो दोनों की गलती मानता हूँ, बस ड्राइवर की भी उसकी भी, वो भी थोड़ा था साइको जो जिसने कोई कह रहा था भाई दोनों की गलती भाई। और लक्ष्य भाई प्रयागराज कब आएंगे, कुंभ मेले में कब आएंगे भाई आप? कुंभ मेला लगेगा तब आएंगे भाई, अभी बहुत टाइम है भाई, मैं ऐसी जगह नहीं आता, मैं हज पे निकल रहा हूँ भाई। लक्ष्य भाई अब स्पेस बंद कर लेते हैं, अपन 2 बज गया था भाई। चलो सम्राट भाई एक थोड़ी कंट्रोवर्सी और कर देते हैं, आपने जो सुखदेव सिंह जी की भी फोटो डाली थी ना, उनको कैसा मानते हो आप? भाई मैं उनको भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता हूँ भाई, करनी सेना का। ठीक है भाई, पूर्व भाई, अब तो नए बनेंगे तीन। चलो भाई चलते हैं। बाय बाय, एक बात बोलनी थी। हाय
जीवन इतना बढ़िया चल रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। लेकिन हाँ कभी मुसलमान भाई मेरे को बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। आ जाओ भाई, अच्छे वीडियोस बनाते हो भाई, बनाओ बनाओ। हाँ तो अगर वीडियो देखने तो बुला क्यों रहे हो भाई? अरे यार स्टैंड अप लाइव में देखने का अलग बात होती है ना, वीडियो पे लगे भाई एक घंटा सुन बैठ के हंसूंगा भाई। भाई तुम्हें एक्सक्लूसिव देखना है क्या, मतलब तुम आखिरी शो के हकदार हो ऐसा? हाँ भाई, उसके बाद शो ही ना हो फिर। अच्छा भाई यूट्यूब कब तक करोगे आप? भाई कल, कल तक भाई, कल सुबह तक फिर बंद कर दूंगा भाई, फिर दो दिन बंद रहेंगे फिर जब वो दो डॉलर बढ़ जाएंगे ना। अब क्या हो रहा है आजकल ना, डाक से आ रहे हैं डॉलर, दरवाजा खटखटा देते हैं वैसे बनते हैं वो। भाई जब तक लाइफ में अय्याशी करनी है तब तक करूंगा, अय्याशी में ही तो जा रहा है पैसा, नहीं तो मैं तो भाई दो रोटी में खुश रहने वाला आदमी हूँ घर की वो भी। भाई जब तक अय्याशी चलेगी जीवन में तब तक यूट्यूब करूंगा, जिस दिन यूट्यूब छोड़ दू समझ जाना लक्ष्य भाई ना। भाई सुबह दुकान खोलनी है भाई, सुबह बंद कर दो भाई स्पेस। ठीक है भाई, भाई अपना प्रोविजन, अपना प्रोविजन स्टोर खोलना है भाई। चलो अरे वीर भाई आज पहले अच्छे कमरेड भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया बिजनेस है तो।